संत रामदास की संदिग्ध मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हिंदू संगठन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में हो रहे अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम छोड़ने वाले बाबा संत रामदास थाना गल शहीद क्षेत्र में एक मंदिर के अंदर संदिग्ध हालत में मृत पाए जाने के बाद हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संत रामदास के शव मिलने के मामले में जांच की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एक दिन पहले भी हिंदू संगठन के लोगों ने बाबा संत रामदास का शव मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर रखकर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने संत रामदास के संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर सीबीआई जाँच की मांग की। आज फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोरट्टी चौराहे पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी मनोज व्यास ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में संतों की हत्या की श्रृंखला सी बन गई है। उत्तर प्रदेश के कई मामले संतों की हत्या के सामने आए हैं, लिहाजा संत बाबा रामदास की संदिग्ध मौत की जाँच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मुरादाबाद प्रशासन हाय 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 हाय। मुरादाबाद प्रशासन हाय 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 हाय। मुरादाबाद प्रशासन हाय 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 हाय। संतों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संतों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संतों की हत्या बंद करो, बंद करो। संतों की हत्या बंद करो, बंद करो। संतों की फोटो वाले का और ये बैनर लेकर संदीप का स्थान है। संत रामदास जी की जो शव मिला है, मृत्यु हुई है, या उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं तो जांच का विषय है। इस संबंध में हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन चार मंगे हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर इसके अंदर चल ही रहा है। हम ये पिछले दो तीन चार महीनों से उत्तर प्रदेश के अंदर ये लहर सी आई है। अलगशहर, अलीगढ़, वृंदावन और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अभी चार दिन पहले एक और संत की हत्या हुई है। आज कल मुरादाबाद में कहीं ये कड़ी तो सम्मिलित नहीं है और सम्मिलित नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए, दूसरे की जांच होनी चाहिए। इसमें हमने डिमांड की है कि आखिर उन्होंने इस नगर के अंदर मनोज जी संत बाबा रामदास अवैध खनन के खिलाफ बराबर मुहिम उठा रहे थे, उसके बाद अब उनका संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। क्या मांग है आपकी और क्या लगता है आपको? आज हमने प्रशासन को उनकी संदिग्ध अवस्था में जो मृत्यु हुई है इस संबंध को लेकर विषय को लेकर ज्ञापन दिया है। रामदास जी खनन के और प्रदूषण को लेकर एक लंबे पीरियड से आंदोलन कर रहे थे। अनेकों आंदोलन में उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, चाहे फिर वो रामगंगा के किनारे बैठे हों वो और चाहे कचहरी पे बैठे हों, मुझे अनेकों बार बैठने का मौका मिला है। और शहर के अंदर मैं ये समझता हूँ उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। वो गाड़ी लेकर निर्विघ्न दौड़ा करते थे, चाहे रात हो या चाहे दिन हो। एक ऐसे स्थान पर उनकी शरीर मिलता है मृतक अवस्था में कि जहाँ दूर दूर तक हिंदू आबादी नहीं है, एक आदि मकान है, तो एक तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला उसमें विषय है और ये जांच का भी विषय है। जांच का विषय ये भी है कि उनके दो मोबाइल जो उनके परिवार के लोग बताते हैं उन पर रहा करते थे, वो अभी तक पुलिस उनको बरामद नहीं कर सकी है। तीसरा, प्रदूषण के लिए वो लड़ाई लड़ी रहे थे, खनन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी रहे थे और जो अखबार की खबरें कहती हैं कि उनको धौंस मिला करती थी। तो कभी शक जताया था उन्होंने अपनी हत्या को या किसी और अनहोनी को लेकर? एक आध जब उन्होंने कहा कि भाई साहब ये प्रदूषण का मामला है और ये खनन का मामला है, इसमें बहुत बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं मुझे धौंसे आती रहती हैं, इतना ही मेरी चर्चा हुई थी, इससे अधिक कोई चर्चा उनसे इस विषय में नहीं हुई। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी जांच
क्योंकि संदिग्ध अवस्था में मिली है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक श्रृंखला सी बन गई है संतों की हत्या का, चाहे वो बुलंदशहर रहो, चाहे अलीगढ़ रहो, चाहे मथुरा रहो, और अभी 7-8 दिन पहले अभी और पूरब में एक संत की हत्या हुई है। तो क्या ये हत्या उसी श्रृंखला में तो नहीं है? इसलिए हमारी मांग है कि उनके बिसरे को सुरक्षित करके CBI से जांच कराएं और उस बिसरे की जांच करें कि उनके मृत्यु के कारण क्या हैं। ज्ञापन किसके नाम दिया है आपने? ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है और DM महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा है। कल पोस्टमार्टम किया गया था और उन्होंने किया, इसमें एक संदेह और जा रहा है। वो संदेह यह है कि सारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन को पता नहीं क्या जल्दबाजी रहती है, पुलिस प्रशासन दोनों को, कि डेड बॉडी को परिवार को किस प्रकार से वो अपने फेवर में करते हैं, शाम दाम दंड भेद अपना कर कि उन डेड बॉडियों को कभी रात में फूंक दिया जाता है, कभी कहीं फूंक दिया जाता है, और इस डेड बॉडी को जब उनको मुरादाबाद में उनका किसी से लेना देना नहीं, किसी से उनको जान का खतरा नहीं, यही मान ले हम, मुरादाबाद में सब लोग उनके फेवर में थे, तो उनकी डेड बॉडी को आनंद फनन में ले जाकर ब्रिज घाट पर क्यों दशा संस्कार किया गया है? ये एक बहुत बड़ा पक्ष सारे उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखते हुए निकलता है, ये भी एक जांच का विषय है। मनोज जी, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें संत जी कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, बड़े बड़े लोग सत्ता पक्ष के शामिल है और खनन इंस्पेक्टर भी शामिल है, तो वो क्या मामला? कोई भी खनन बिना खनन आज से नहीं, किसी की भी सत्ता हो, वही वीडियो में उन्होंने भी कहा है, किसी की भी सत्ता हो खनन रुका नहीं है, सपा के जमाने में भी था, बसपा के जमाने में, उससे पहले कांग्रेस के जमाने में और आज भाजपा के जमाने में भी खनन बिल्कुल नहीं रुका है, बहुत बड़े पैमाने पर खनन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय संत हैं और हम उनसे सख्त भी हैं, ये प्रशासन क्यों नहीं उनके आदेशों का सही से क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है? गौ की हत्या भी हो रही है जबकि उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। हम तो बिल्कुल मांग कर रहे हैं ना, हमने कहा ना करण का विषय है और उस पर जांच होनी चाहिए, और अगर महाराज जी को सही में श्रद्धांजलि देनी है, अगर जांच भी मैं जो निकले वो निकले, प्रशासन को जांच अगर खनन, मैं एक मिनट, अगर उनको श्रद्धांजलि इस प्रशासन को भी देनी है तो इस राम गंगा के किनारे से प्रदूषण और खनन को पूर्णतया बंद करना ही होगा। आपका पूरा नाम और मनोज व्यास, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का, मैं क्षेत्र का यानी कि 3 प्रांत आते हैं उसका महामंत्री हूँ।